मंगलवार की मंगल तिथि की मंगल बेला में एक मंगल हुआ और आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का अवतरण हुआ। लेकिन जो नहीं हुआ वो ये था कि आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में 5 GHz की फ्रीक्वेंसी नेटवर्क का सपोर्ट, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में बातें हो रही है। एंड इवन बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि इसके अंदर डुअल वाईफाई बैंडविड्थ का सपोर्ट नहीं है। दोस्तों बहुत सारे डिस्कशंस तो हो रहे हैं पर हम ये बता नहीं सकते कि आसूस ने क्या सोचा और क्यों उसने डुअल बैंडविड्थ का सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि 5 GHz वाईफाई फ्रीक्वेंसी का नेटवर्क सपोर्ट अगर आपको आसूस जेनफोन मैक्स प्रो में नहीं मिला है तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, और वाकई में कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता भी है कि बस सिर्फ ये कहने की बात है। तो चलिए लेट्स फाइंड इट आउट इन दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग और स्पेशल वीडियो सिर्फ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप लोग को ये जानना है कि आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 में अगर 5 GHz वाईफाई फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट नहीं है तो आपके यूसेज में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा 2.4 GHz और 5 GHz के वाईफाई फ्रीक्वेंसीज के बारे में। तो थोड़ा सा मैं कंपेयर कर देता हूँ दोनों को ही। दोस्तों अगर हम लोग 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएं तो आप सिंपली ये आप जान लीजिए कि 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम स्पीड जो मिलेगी थ्योरेटिकली वो आपको मिलेगी 600 Mbps की। और अगर हम 5 GHz की फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम सोचें तो भाई उसके अंदर आपको 1300 Mbps की स्पीड तक की आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लैग है 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी का। लेकिन इसके साथ ही साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो 2.4 GHz की वाईफाई फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा दूर तक की कवरेज देती है, और वहीं आपका 5 GHz की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा दूर तक की कवरेज देती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शॉर्टर वेव्स का यूसेज होता है, तो जिसकी वजह से 5 GHz बहुत दूर तक की कवरेज देती नहीं है। दोस्तों इसके साथ में मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर कंजेशन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों होता है क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से कंजेशन की वजह से उसके अंदर आपको लैक ऑफ नेटवर्क और स्पीड भी काफ़ी कम मिलने की शिकायतें हमेशा रहती है, जो कि ना 5 GHz की फ्रीक्वेंसी में ऐसी प्रॉब्लम्स होती नहीं है। दोस्तों अब बात आ जाती है ना कि भाई वाकई में आप लोगों को इतनी स्पीड की जरूरत है 1300 Mbps की स्पीड की। सो दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस में 4K वीडियो एक साथ अगर चला रहे हैं तब आपको ज़रूरत होगी इस चीज़ की। लेकिन मेरे जो हिसाब से भाई मोबाइल फ़ोन में आज के समय में ज़्यादातर लोग 4K वीडियोस नहीं देखते हैं, जो लोग भी देखते हैं वो लोग अपने लैपटॉप या फिर स्मार्ट टीवीज वगैरह में देखते हैं 4K वीडियोस में वीडियोस, ठीक है। तो भाई एक बात ये भी है कि अगर आप 2.4 GHz की स्पीड आपके लिए सफिशियंट है तो आप बहुत ही आराम से 4K वीडियो एक सिंगल डिवाइस में आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन भाई मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1080p में ही मैक्सिमम जाता हूं अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो। दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि रियल लाइफ में आपको 1300 Mbps की स्पीड कब चाहिए होती है। दोस्तों अगर आप लोग एक साथ 3-4 डिवाइसेज में या फिर आप लोग 5 डिवाइसेज में 4K वीडियो वो भी एक साथ अगर देख रहे होंगे तभी आपको 1300 Mbps की स्पीड की जरूरत पड़ेगी, वरना तो भाई आपकी 2.4 GHz की वाईफाई फ्रीक्वेंसी सफिशियंट जिसमें आपको 600 Mbps तक की स्पीड मिलती है वो बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है। और एक और दोस्तों मैं इसमें बात बता दूं कि ज्यादातर जो ना राउटर हैं वो ज्यादातर जो ना राउटर हैं इंडिया में वो 802.11n स्टैंडर्ड को सपोर्ट जो है करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको ज्यादातर 450 Mbps की स्पीड या फिर 600 Mbps की ही स्पीड आपको मिल पाती है। और एक और चीज है दोस्तों कि जो आपके ISPs है, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी आपको 1300 Mbps तक की स्पीड देते भी नहीं है, ज्यादातर नहीं जो है देते हैं। तो भाई अगर जब आपको इतनी ज्यादा स्पीड मिलती नहीं है और इतनी ज्यादा स्पीड अगर आपको यूज ही नहीं करनी है तो भाई 5 GHz की फ्रीक्वेंसी लेकर के कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मार लेंगे आप, ठीक है। और एक और बात बता दूं भाई, प्लीज डोंट माइंड दैट आज तक कि आपने इतने सारे स्मार्टफोन यूज किए होंगे उसमें से कितनी बार आपने 600 Mbps तक की स्पीड को फुली यूटिलाइज किया है, मेरे जो हिसाब से एक बार भी नहीं किया होगा, ज्यादातर लोगों ने एक बार भी नहीं जो किया होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड कहीं पे भी आपको जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है।
तो इवन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने भी 600 Mbps तक की स्पीड का कभी यूजेज किया ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो मुझे स्पीड मिली है 100 Mbps तक की स्पीड ही मिली है, मैंने उसी का यूज़ किया, उससे ज़्यादा तो मैं कभी गया ही नहीं। तो यहाँ पे 1300 Mbps की स्पीड की बात तो दूर दूर तक ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई स्मार्टफोन में हम लोग इतना ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर स्मार्ट टीवी है तो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं, पर जब आप लोग अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती नहीं है। और 2.4 GHz वाईफाई फ्रिक्वेंसी इज सफिशियंट इनफ, और इसीलिए शायद से इन्होंने इसको डिच किया। और मुझे जो लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से आप आसूस जेनफोन मैक्स प्रो के साथ में जाइए, क्योंकि वही एक ऐसा स्मार्टफोन है जो इस समय 15,000 से कम की रेंज में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन। और अगर आपको 15,000 से ऊपर जाना है तो ब्लाइंडली गो विथ ऑनर प्ले, और अगर आपके पास 20,000 तक की आपके पास बजट है तो भाई ब्लाइंडली गो विथ पोको F1। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 15,000 के अंदर रहना है तो आसूस के साथ में जाइए, 15,000 के ऊपर जाना है तो भाई आप जाइए ऑनर प्ले के साथ में, और अगर 20,000 तक का बजट है तो भाई जाइए पोको F1 के साथ में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो भाई अगर पसंद आई तो क्या कर रहे हो, सपोर्ट करिए और कर दीजिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो दोस्तों, डेट वॉज ऑल फ्रॉम द गीकी मॉन्क, थैंक यू।